नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए ट्यूटोरियल में। अपने इस ट्यूटोरियल में जो आप ड्राइंग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बेड की एक ड्राइंग है, इसे मैं बनाना बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले भी अपने ट्यूटोरियल में यूनिट्स कैसे चेंज की जाती हैं बता चुका हूँ, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अब हम यूनिट्स को चेंज करेंगे। यूनिट्स को चेंज करने के लिए सबसे पहले मैंने यूएन टाइप करके एंटर किया। ये विंडो सामने आती है, यहाँ पर हम ऑप्शन लेते हैं आर्किटेक्चरल का, और यहाँ से हम ये सेकंड वाला ऑप्शन 0 to 5 inch के ले लेते हैं। इसे इंसर्शन स्केल को इंचेस में ही रहने देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम एक जगह और चेंज करेंगे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का शॉर्टकट होता है टी, हमने टी टाइप करके एंटर प्रेस किया। इसके बाद हम मॉडिफाई पर क्लिक, फिर उसके बाद एंटर दबाएंगे, हम फिर से कमांड में आ जाएंगे। फिर इसके बाद एंटर दबाया, फिर से फिलेट में आ गए हम, और ये देखिए
को हम मिरर कर देंगे दूसरी तरफ। एम आई टाइप करके इंटरफेस किया, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने विंडो बना के इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, अब फिर से इंटरफेस कर रहा हूँ और ये देखिए और इंटर दबा के कमांड से इसकी कहीं कोई डायमेंशन नहीं है, मेरा रखिए केवल लगना चाहिए कि जैसे एक चादर सी बिछी हुई है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि ये आ जाता है यहाँ पे हम इसे प्रिंट करते हैं। पर रेक्टेंगल यहाँ पर भी हम इसको बनाने के लिए भी हमें इसे ऑफसेट करना होगा। ऑफसेट करने के लिए हमें ओ टाइप
ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।